नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं राधेश्याम दीक्षित। आज ये पूरा जो हमारा कार्यक्रम है इसका नाम है युवा संवाद, जिसमें हम युवा जगत के साथ सीधे सरोकार से मुखातिब हैं। और आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं जो न केवल भारत के भविष्य के लिए जो नवाचारी प्रयासों की आवश्यकता है उस दिशा में वो खुद काम कर रहे हैं, बल्कि अपने अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा भी कर रहे हैं। और साथ में वो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया में इंजीनियरिंग ने जो मुश्किलों का पहाड़ खड़ा किया है या जो पूरी दुनिया में जो विकास की एक अनियमितता है उसका जो संकट पैदा हुआ है उसके समाधान के लिए पूरी दुनिया के तमाम नवाचारी लोगों को एक साथ आना होगा, जुड़ना होगा और मिलकर के ऐसे प्रयासों को फलीभूत करना होगा जिससे न केवल भारत का भविष्य बल्कि पूरे विश्व का भविष्य सुरक्षित भी हो और जो हमारे सामने बड़े चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हम समाधान के रूप में बदल सकें। और साथ ही जो युवा भारत है उसमें जो युवा जगत है जो जिसमें अलग अलग गाँव में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर हमारे युवा साथी काम कर रहे हैं वो भी इसका लाभ ले सकें और इस दिशा में अहम योगदान दे सकें। तो हमारे साथ जो मेहमान है मैं आपसे मुखातिब कराता हूँ, आप हैं डॉक्टर भरतराज सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर भरतराज। आप न केवल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर के पूर्व चेयरमैन हैं बल्कि महानिदेशक हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के और साथ ही आपने बहुत से खुद इनोवेशन किए हैं और सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा के साथ आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से ऐसे शोध कार्य भी किए हैं जिनके रिसर्च पेपर्स दुनिया में अलग अलग पब्लिश हुए हैं और उनके माध्यम से आपने वैश्विक संकटों को दुनिया के सामने अपनी आकलन के रूप में रखा है। और साथ ही आप नए युवाओं को इस तरह के नवाचारी प्रयासों में जोड़ने, उनको आगे बढ़ाने, उनको प्रोत्साहित करने का आप काम कर रहे हैं। डॉक्टर भरतराज जी का स्वागत करते हुए मैं सीधे आपसे जोड़ रहा हूं। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपका प्रिय विषय है कि नवाचार और नवाचार में आप अपनी सेवानिवृत्ति के बाद जितना काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी जिनके अंदर मनसा वाचा करना एक युवा है वो भी इसमें बहुत काम कर सकते हैं या अपने अनुभव को संकलित कर सकते हैं। तो क्या संभावनाएं आप देखते हैं और क्या आवश्यकताएं हैं और उसके बाद हम चुनौतियों और समाधान पर भी बात करें। डॉक्टर भरतराज नमस्कार सभी श्रोताओं को विशेष करके और राधेश्याम दीक्षित जी को जो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे मुहैया कराया जिससे हम आप लोगों के साथ जुड़ करके एक संवाद रूप में नवाचार के लिए तैयार हैं। तो पहले हम ये चाहते हैं कि ये नवाचार और आविष्कार इस दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए जी। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हम दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ करते रहते हैं और जो चीजें हमारे हाथ में है, साथ में है, घर में है, बाहर है, ऑफिस में है, वो उसमें कुछ न कुछ चीजें अगर व्यवधानित होती हैं तो अपने ढंग से उसको ठीक कर लेते हैं या अपने ढंग से उसमें कोई नया प्रयोग कर लेते हैं। इस नए प्रयोग को ही अगर वो समाज में सबके लिए उपलब्ध हो जाए और समाज में उसका एक उपयोगिता बढ़ जाए उसी को हम नवाचार कहते हैं। जो चीज है उसमें ऐसे आप उसको और ज्यादा प्रभावी रूप से लोगों के लिए फायदेमंद हो जाए। फायदा मीन्स धन से नहीं, फायदा मीन्स आपके काम में उसमें प्रोत्साहित कर काम को आगे बढ़ा दे या आपका समय बचा दे या हाँ ये भी है कि इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्प्रूव कर दे। ये सब चीजें जुड़ करके एक ओवरऑल पिक्चर उसमें आती है तो उसको हम नवाचार कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि अगर हम एक टाइप मशीन लेते हैं तो पहले मैनुअल थी, हाथ से था, उसमें मैकेनिकल डिवाइस चलता था, टाइप हो रहा था जी। उसके बाद एक उसी पर नवाचार हुआ कि भाई ये तो प्रयोग तो ठीक है कि टाइप करता है, लेटर में जो हाथ से लिखते थे इसमें आ गया। लेकिन जब कंप्यूटर नहीं थोड़ा सा अपना आगे बढ़ा और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट आ गया तो कुछ मेमोरी चिप बन गई, कुछ हो गया कि जो हम कर रहे हैं अगर वो स्टोर हो जाए, धीरे धीरे अपना काम करता रहे, टाइप करता रहे, तो एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पहले बना, वो उसे
आप हाथ में काम करते हैं बिना रुके कि देखे हुए कि कितना लिखा, उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप में मेमोरी स्टोर में चली जाती, तो आप जितना आप टाइप किया आपने ऐसे टाइप कर देता, तो इससे क्या हुआ आपके टाइप राइटिंग की स्पीड बढ़ गई। और आप अगर बहुत उसमें बुरी है और टाइप में कोई गलती नहीं तो बहुत टाइप हो जाता था। उसके बाद जैसे कंप्यूटर आया, कंप्यूटर ने देखा कि ये तो मेमोरी भी है और उसमें एडिट करने की भी प्रयास हो सकता है, सेव भी कर सकते हैं उसको, कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं, किसी मोमेंट में भी टाइप कर है, टाइपराइटर कीबोर्ड अब यहाँ बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड है जिससे आप कर लेते हैं, उस पर कर लेते हैं। तो ये एक नवाचार का प्रोसेस है जिसमें आज ये अब इकोनॉमिक भी हो गया, हैंडल करने में भी आसान है, अब कुछ नहीं मोबाइल पर भी चले गए, मोबाइल पर टाइपिंग कर लेते हैं, उसको फाइल लेते हैं। इस टाइप के पूरे प्रयास अगर होते, एक छोटा सा उदाहरण, अब हम नवाचार को दो भागों में बांटना चाहते हैं। भारत में वर्ष जो है वैदिक पीरियड से यहाँ विज्ञान की प्रगति बहुत ज्यादा रही, ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। हमारे जितने वेद पुराण को अगर आप अध्ययन करेंगे या उसके बाद फिर ग्रंथ जो बने, हमार लीजिए जो घटना है रामचंद्र जी का हुआ, रामायण बना, ये जो चीजें आई तो उसमें बहुत से उदाहरण विज्ञान के दिए जाते हैं। वो उदाहरण लोग एक कल्पना के रूप में मानते हैं, तो ये तो किसी लेखक ने या दिया, चाहे महाभारत का हो चाहे ये हो, लेकिन जो चीजें हमारी पहले से वैदिक पीरियड में पुराणों में लिखी हुई है, वो किसी व्यक्ति विशेष ने अपना नाम नहीं इसमें जोड़ा है, वो देववाणी है। और उसमें तमाम चीजें मैंने अध्ययन में पाया कि ज्ञान के शोध जुड़े हुए हैं। अब हम केवल इसमें इतना ही कहना चाहते हैं कि हम भरद्वाज मुनि का उदाहरण लेते हैं, इलाहाबाद में कभी जाइए दर्शन करने, तो भरद्वाज में आनंद भवन के पास में उनका मंदिर है, और वहां ये प्रमाण मिलता है कि कभी गंगा इस घाट पर आनंद भवन के पास वो थी उसका, और वहीं वो बैठे हुए थे, और उन्होंने उनके ग्रंथ मिलते हैं कि वो 70 से 80 विमान टाइप के विमानों का पूरा उनके पास सारा लेखा जोखा, उन्होंने 6 चैप्टर मिलते हैं, अदरवाइज नालंदा और तक्षशिला के जो लाइब्रेरी जलाई गई है उसमें सब नष्ट हो गए, और ये भी मिला कहीं जा करके गुजरात के किसी उसमें किसी ने उसको सजो कर रखा उसको, और उसको बाद में जितना बढ़िया उसमें सारी चीजें लिखी हुई है, और सारा इवन यहाँ तक बिजली कैसे बनती, सोलर कैसे बनता। अब आप तो पूरे विश्व में प्रकांड विद्वान थे, दिशा देते थे, पहला विश्वविद्यालय यहाँ का था, 10,034 लोग यहाँ पढ़ते थे सारे विदेश और यहाँ भारतवर्ष के, तो इतना पहला विश्वविद्यालय में शिक्षण के जाता है ये देश, लेकिन चलिए वो समय के अनुसार सभी चीजें चलती हैं, हम गुलामी के पीरियड में भी रहे और तमाम चीजें हमारे साथ, आइए फिर हम लौट करके नवाचार पर आ जाए। वो चीजें हमारे यहाँ गांव, मतलब ये कह लीजिए रूरल प्लेस, ये कह लीजिए हमें है वो अर्बन शहरी क्षेत्र और हमारा ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जितने नवाचार आए उनको जो कठिनाई थी जाने की नहीं होता, वो दादा बाबा के परंपराओं से जो क्या मिलता मिला है वही चला रहे, अपना किया है, तो उनको अगर छोटा सा खेती का भी काम करना था, ट्राली भी एक बनानी थी, हैंडकार्ट भी बनानी, तो उन्होंने उसको अपने ढंग से कैसे उपयोगी बोला है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर समाचार और भारतवर्ष में इतना अधिक है उसको उसको ध्यान ही नहीं दिया गया। हम किसी गवर्नमेंट के कोई ये नहीं कर रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे,
लेकिन वर्तमान में हम तो अभी देख रहे हैं कभी कभी अपने को जैसे राजस्थान विकसित जैसे लोग हैं तो धन्यवाद भी देते हैं कि वो इसको जाहिर था। हम जब 2005 से शुरू किए हैं तो इस प्रदेश में या पूरे उसमें भारतवर्ष में इनोवेशन कुछ जगह का एक लैब का पार्ट, लैब में बात इनोवेशन होता है इसमें। आज जगह जगह चर्चाएं हैं, इतना ज्यादा उसका प्रचार किया, हमने भी किया, लोगों ने मिलकर के हमारे पत्रकार बंद होने किया तो लोगों में जागृत आ गई। अब उभर करके आ रहा है बिहार में जो चीजें हैं बड़ी उपयोगी बना रही, तो आज आवश्यकता आत्मनिर्भर भारत की। हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी जी, पूरे अपनी पहचान भारत के पुनर्स्थापित करने का उनका संकल्प, और यही संकल्प हमारे शिक्षित वर्ग और इवन देहात के लोग, तो मेरा मानना है कि सबको संकल्प लेना चाहिए, जो ज्ञान उनके पास है वो लोगों में बांटे और वो नवाचार किसी न किसी रूप में हम यूनिक बनाए, अपना भी फायदा करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, छोटे उद्योग लगा दें, 10-20 लोगों की उसमें रोजी रोटी लगेगी, बड़े उद्योग लगा देंगे, मीडियम लगा देंगे, वो और ज्यादा लोगों का रोजी रोटी हो जाएगी, वही ग्रामीण क्षेत्र में सारा आपका विकास होने लगेगा जी। छोटे हम कह रहे हैं हल्के नहीं है, आपको हम जब हम छोटे थे तो मैं देखता था बैल के उसमें चलता था आटा चक्की गाँव में, याद पड़े एक दो जगह उसमें लग गया लगा 4-5 घंटे जी, वो आपका आटा जितना रिक्वायर्ड है 2-4 किलो वो मिलता था, बहुत बढ़िया मिलता। लेकिन धीरे धीरे मैकेनाइजेशन आ गया, मोटर से चलने लगी, पट्टे से चलने लगी, डीजल से चलने लगा इंजन, उसमें लगा दिया, छोटे दो लगा दिया, स्पीड लगा दिया, देखिए जहां जाते हैं आटा चले 5 मिनट के अंदर, ये है नवाचार। ये नवाचार कहां से आए, ये शहर से नहीं आए। मैं आज बड़े फख्र से कहता हूँ कि हमारे देहात के लोगों ने वो जो चक्की बनाई, उस चक्की को लेकर के व्यापार के उद्देश्य, जिसमें उद्देश्य नवाचार मैकेनाइजेशन हो गया, उस मैकेनाइजेशन का फायदा सब लोग ले रहे हैं, आटे तो पैकेट में बनने लगे लोग अपना जाके कैसे आटा चक्की में कैसे डॉक्टर आपने बहुत बात की है, एक तो है कि आत्मनिर्भर बनाना, दूसरा है नवाचार यानी इनोवेशन ऐसा हो जो हमारे सभ्यता के लिए समाधान का कारक बने, जो हमारे देश के लिए दुनिया के लिए समाधान का कारक बने, जो विभिन्न विषयों में एक नई दृष्टि डाले और जो हमारे जीवन शैली को विभिन्न कामों को सरल करे और उसकी प्रोडक्टिविटी का दायरा भी बढ़ाए। तो इसमें बहुत से नवाचार हुए हैं, लेकिन इसमें भारत की भागीदारी कम थी जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़नी शुरू हुई है, और अब जो नया हमारा जो सूचकांक है वैश्विक सूचकांक जो नवाचार सूचकांक 2020 का है, उसमें भारत दुनिया में 48वीं पायदान पर पहुंच रहा है। तो ये 4 अंकों की छलांग इस वर्ष लगाई है इसने, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इस पर सरकार की तरफ से भी बहुत जोर दिया गया, इसके लिए कई तरह की योजनाएं भी शुरू की गई, उसमें बहुत से युवाओं ने हिस्सेदारी भी की। ये भी एक कारण है कि बहुत सारे जो संकट कहते हैं जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो बहुत से लोग जब संकट में आए हैं तो बहुत तरह के प्रयास उन्होंने करने शुरू किए, उसमें भी एक आइडिएशन एक डेवलपमेंट एक विचार पनपता है और उन सब के साथ में इसमें एक रिश्ता कायम होता है और उसी दिशा में मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ये परिवर्तन आ रहा है। लेकिन भारत में असीमित संभावनाएं हैं, भारत में असीमित समस्याएं हैं, असीमित इसमें अवसर दिख रहे हैं, लेकिन उसकी तुलना में उतना विस्तार या उतनी वृद्धि नहीं देखने को मिल रही है। आपको क्या कारण नजर आते हैं? देखिए कारण ये है, मैं पॉपुलेशन भारतवर्ष में इसका ग्रोथ बहुत तेज हुआ है और हमारे उस ग्रोथ के शिक्षा के महत्व जो है उसको उस ढंग से नहीं लगाया गया। हमारे यहाँ शिक्षा की प्रणाली डिफरेंट दूसरे तरह प्रयोग के तौर पर की जाती थी, पहले प्रयोग
के रूप में और उसमें लोग बच्चा सीखता था और वो हुनर उसमें पैदा होता जी। तो हट करके अब हम व्यापारिक शिक्षा की तरफ बढ़ गए प्रोफेशनलिज्म हमें धन जी। कैसे आ तो ये दोनों नवाचार के लिए बहुत ही घातक है भारतवर्ष के लिए कि जहाँ की जनसंख्या 60-65% अभी भी आपको इसलिए उनको वो उद्योग चाहिए वो नवाचार में चीजें चाहिए जो उनके कार्य को बढ़ा करके उनको अधिक से अधिक फायदा दे। तो हमारा उद्देश्य महात्मा गांधी जब हम भारत में स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता जो से ट्रेन से मिले हमारी तो बहुत पुरानी है हम तो समझ रहे हैं कि हम मुगलों पीरियड से ही गुलामी के उस पर आ गए थे लेकिन हमारे जो औद्योगीकरण हुआ है वो तो 150 से ज्यादा है पूरे दुनिया में हमारे चीजें जो है एक ही क्षेत्र नहीं है। हम इसलिए बल दे रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए कि हमारी संभावनाएं वहां ज्यादा है अगर वो हमारी एक उनकी आमदनी एक लेवल से ऊपर आ जाएगी आय बढ़ जाएगी तो हम विश्व के किसी भी उससे आगे निकल जाएंगे विश्व हमें देखता रहेगा। आज पिछले 10 साल का जो आपने अभी 18वां दिया मैं सभी को साधुवाद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। नहीं यही ये नहीं कहता हूँ कि सारे इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या साइंटिस्ट ही ने किया है सबसे ज्यादा जो प्रचार किया गया है जो हमारा मीडिया संपर्क है या जो जैसे हम लोग हैं रिटायर होकर इस पर बल दे रहे हैं चारों तरफ तो ये उठाना चाहिए जितने वरिष्ठ नागरिक हैं जिस क्षेत्र के भी है उनका ये दायित्व है कि सबको प्रसारित करें और सबको भावनाओं के बारे में बताएं और उनसे जो उनके ज्ञान है उसको आगे बढ़ाएं कि हम किसी से भी कम नहीं इसलिए हैं। अगर हम देखें स्पेस में हमारा चंद्रयान दूसरा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है 3 इंच के दायरे का फोटो ले सकता है उनके ऑर्बिटर खड़ा हुआ है। अब आप देखिए विक्रम को उसने निकालना आर्य उसका वो एक एक्सीडेंट था उसमें कोई नहीं लैंडिंग हुई है क्रैश लैंडिंग हुई है लेकिन उस स्थान पर जहां आज देश का विश्व का कोई भी नहीं है वहां पर हम प्रयास किए ऐसे कठिन पोलर पर दक्षिण पोल पर जहां कोई संभावनाएं ऐसी है कब तूफान आ जाए कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं ऐसी जगह हमने प्रयास किया और वहां पर हमारी सक्सेस रेट 95% से ऊपर तो ये हमारा ये जो प्रयास है कुछ सीमित साइंटिस्ट के स्तर पर नहीं होना चाहिए हमारे इतना लोगों में प्रतिभा है आपके गांव देहात के बच्चों में प्रतिभा है। मैं देहात से आया हूँ मेरा सपना ही था कि वैज्ञानिक बनूं और मैं फिर भी मैंने वहां भी इंजीनियरिंग में भी विज्ञान को प्राथमिकता देते हुए हमने सारे कार्य किए और ईश्वर की कृपा है या सभी का हमारे पूर्वजों का वो है कि मेरे जीवन के सपने जो बचपन के थे वो हमारे के बाद पुनर्स्थापित हुआ शिक्षण संस्थान में और उस शिक्षण संस्थान के बदौलत हमारे कुछ सोच थे कि विश्व में जो भी समाज में ये औद्योगिकरण के बढ़ती हुई रफ्तार में जो गलतियां हुई उसके कारण पूरे विश्व में जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का स्तर बढ़ता जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा भीषण प्रॉब्लम लाएगा विनाशकारी होगा और इसका ही लेकर के हमने एक छोटा सा प्रयोग किया और वो मिशन इसको हम सोच रहे मोटर हम बनाए बिना हाइड्रोकार्बन बिना पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज में बिना ज्वलनशील पदार्थ को उपयोग किए हुए उसमें कन्वर्ट कर और इसका कोई हमने कोई काम नहीं किया ये भी आपको बता दें इसमें जो श्रोतागण इसको बहुत गौर से सुन ले हमारे पूर्वजों है वो हमसे रामायण सुनते थे हमारे दादा कहते रोज रामायण पढ़ो मुझे सुनना है तुम्हें क्या करना मुझे नहीं पता
तुम वाचक के रूप में काम कर, हम श्रोता के रूप में सुन रहे हैं, हम बताएंगे तुम्हें। हमें हनुमान जी के कैरेक्टर कई लोगों के बारे में बड़ी जिज्ञासा होती है, बोल रहे भाई ना उनके पर हैं जी, ना कोई ऐसी चीज बनी है जिससे उड़ाने का यंत्र है, तो कैसे उड़ जाता है, ये हमारी जिज्ञासा बनती थी जब छोटे थे। मुझे एक चीज उसमें लगी, हनुमान जी को जिसको हम प्रेरक हैं, जिसको नमन करते हैं, जिसका हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यहाँ पर ये लगता है कि भाई कहीं भी डर लगे हनुमान चालीसा पढ़ लो, ये वहां बताया गया कि इतने नजदीक हो जाओ, वो प्रेरक थे और उनके पास वो वायु में उड़ने की शक्ति थी जिसमें हमने निकला कि एक चीज इनके साथ हमेशा जुड़ी रही, चाहे बचपन हो चाहे ये बिल्कुल। इस यंत्र पर शोध होना चाहिए, उसी यंत्र का शोध करके मैंने हवा से इंजन चलने का बनाया, इसमें हो गया जी। डॉक्टर साहब आपके हवा से चलने वाली इस मोटरसाइकिल का जो प्रोटोटाइप है वो मैंने देखा है, उसका डेमोंस्ट्रेशन भी देखा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सड़क पर भी चलती हुई उसको देखें या उसके और व्यापक पैमाने पर लोग इस्तेमाल करते हुए देखें, तो आप निश्चित रूप से उसके कुछ हम चरण भी समझेंगे कि कोई भी एक नया विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति का नवाचार करना चाहता है तो वो किस तरह के इनिशिएटिव, किस तरह के विषय को लेकर के आगे बढ़े, अगर उसके पास कोई आइडिया है तो उस आइडिया के अलग अलग चरणबद्ध तरीके से उसका विकास कैसे होगा, इस पर मैं बात करेंगे। लेकिन चूंकि आपने ये कहा है कि अभी जो भारत में नवाचार के प्रोत्साहन की बात है या नवाचार के विचार को और उद्वेलित करने की बात है, उनको अवसर देने की बात है, इसको और व्यापक बनाना होगा, हमें अपने शैक्षणिक संस्थानों में, हमारे समाज में, परिवारों में विचारशील विचारों को और ज्यादा जगह देनी पड़ेगी, वहां पर उसकी चर्चा भी करनी पड़ेगी, उसका दायरा व्यापक करना पड़ेगा। और इसमें निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें मीडिया के हमारे साथियों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, और इसीलिए आज हमारे एक मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रोशन योगी जी हैं जो बहुत जमीनी तौर पर विषयों को बहुत गहराई से देखते हैं। तो डॉक्टर भरद्वाज मैं आपसे मुखातिब करवाता हूं, और जो आपकी चिंता है वो हमारे फ्रेटरिटी के और भी लोगों तक चिंता है, और कई बार उन अवसरों को बदलने की दुश्वारियां होती हैं, हम लोग अपने स्तर पर बहुत प्रयास करते हैं, तो हम आपसे भी चाहेंगे कि आप बताएं कि आप एक पत्रकार के तौर पर इस नवाचारी अवसरों के तौर पर कैसे देखते हैं कि भारत में भविष्य कैसा है, वर्तमान कैसा है, चुनौतियां क्या है और उसमें समाधान आप क्या देखते हैं। रोशन जी, मेरा तो इसमें यही कहना कि जो आप डॉक्टर भरत राज सिंह जी कह रहे हैं, एक तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक बात इन्होंने जो कही वो उस पर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो उस बात पर मैं बहुत देर से सोच भी रहा हूँ जब से आपने ये बात कही कि मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। तो यह हमारे देश की बहुत बड़ी ट्रेजडी है, ये बहुत बड़ी ट्रेजडी है हमारी शिक्षा व्यवस्था की और सरकारी व्यवस्था की भी, कि गाँव की बात तो खूब होती है लेकिन गाँव हमारे सिस्टम में है नहीं, गांव हमारे सिस्टम में नहीं है। और इस समय तो की जो भी स्थितियां गाँव की हैं वो बहुत ही भयावह है। किसी भी, मैं विशेष तौर पे जैसे मैं स्वयं भी पूर्वांचल से आता हूँ, आप गांव में चले जाइए, युवाओं से खाली है गांव, 5,000 रुपए की नौकरी करने के लिए, 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए युवा शहरों की ओर भागते हैं। मतलब एक जो जैसे होता नहीं कि जो एक मजदूर का जितना जिसको कहते हैं दिहाड़ी है, उतना भी गांव में पैदा करने की स्थितियां इस समय युवाओं के पास नहीं है। तो जिस दौर में, जिस देश में ये स्थिति हो कि बच्चों को जो 18 साल से ऊपर हो रहे हैं, इंटरमीडिएट करके निकल रहे हैं, बड़े बड़े उनके सपने हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो उतना भी गांव में नहीं कमा पा रहे हैं कि जितना शहर में एक मजदूर दिहाड़ी जो ठेके पे काम करता है 500, 600, 700 उतना भी पा सके। तो जिस देश की ये स्थितियां हैं, तो मैं ये सुन रहा था डॉक्टर भरत राज सिंह जी जो कह रहे थे कि मैं भी गांव से आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का बहुत मुखापेक्षी होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो मनीषी हैं डॉक्टर भरत राज सिंह जी जैसे जो भी मनीषी हैं, अगर ये थोड़े से ठान लें कि नहीं, मुझे
गांव की ओर देखना है, मुझे बहुत अधिक नहीं, मुझे कम से कम अपने गांव को देखना है, हमारे गांव में जो प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे नए जो नई खोपड़ी फूट रही है, मैं उनकी तरफ देखूंगा और कुछ सोचूंगा। तो बदलाव आ सकता है और क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है, क्योंकि सरकार सरकार की अगर मैं बात करूं तो एक बात मुझे याद आ रही है कि वो जब हमारे हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव से या दुष्प्रभाव से भी आप कह सकते हैं कि उसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान निर्माता समिति से जुड़े हुए थे और वो भी चाहते थे कि ये जो उसमें जो क्योंकि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं तो सर्वोदय शब्द आए। और हम आप ये देखिए कि समाजवाद जैसा कम्युनिस्ट शब्द उसमें आ गया और सर्वोदय नहीं आया, ग्राम स्वराज शब्द नहीं आया। तो क्या कहते हैं कि गड़बड़ तो हमारी नींव ही पड़ी, हमारे गांव की बात कहाँ से होती है। तो मैं डॉक्टर भरतराज जी की जो चिंताएं हैं मैं उससे सहमत हूँ कि जो नवाचार है उसमें बहुत अधिक क्या कहते हैं कि एक तरह से दुनिया का सर्च इंजन बनने की क्षमता हमारे भारत में है और युवाओं की आबादी तो यहाँ बहुत है भी। और साथ में एक बात में मैं और भी कहूँगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जो मेधा जैसे मैं अगर एक उदाहरण दूँ डॉक्टर स्वयं आपका डॉक्टर भरतराज सिंह जी का, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी अपने को युवा ही समझते हैं और उसी रूप में कार्य कर रहे हैं। इसको भी समझना होगा कि सरकार को भी और समाज को भी कि युवा और बुजुर्ग में आयु की कोई बात नहीं होती है, जिसका मन और जिसका व्यक्तित्व युवा है तो उसकी पूरी स्ट्रेंथ एक साथ काम करे। तो ये जो एक तरह से जो क्रांतिकारी बदलाव है वो आ सकता है। तो मेरा यही कहना है, नवाचार में तो मैं नहीं हूँ लेकिन नवाचार की जो स्थितियां आज हैं इसको बदलने के लिए जो बेसिक हमारे देश की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको बदलने का संकल्प हमारा भी है, हम भी चाहते हैं कि उसमें बदलाव आए और हम कुछ ऐसी स्थिति लेकर के आए कि आज के 5 साल बाद 10 साल बाद 15 साल बाद जो है वो जो क्या कहते हैं डॉक्टर भरतराज जी जो बात कह रहे हैं, 10 साल बाद हम जब आपकी स्थिति में आए तो हम ये कहने के लिए विवश ना हो या दुखी हो करके बात ना कहें कि हमारे गांव की प्रतिभाएं उनको नवाचार से जोड़ने की आवश्यकता है। नवाचार के सर्च इंजन गांव में ही बनेंगे, ये मैं इस एक उदाहरण से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में एक स्थिति बनी कि जो लेबर जो मजदूर वर्ग है जो तमाम राज्यों में तमाम शहरों में काम करने वाला जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश और बिहार से जाने वाला मजदूर वर्ग है कोरोना काल में वो सब लौट करके अपने गांव चलाया, और जिसके बाद तमाम जगह जो चाहे वो विशेष आर्थिक जोन भी हैं वहां पर जो है फैक्ट्रियां ठप हो गई उनके पास, मतलब वो चलाना चाहते हैं सरकार ने खोल भी दिया है लेकिन वो चलाए कैसे जब उनके पास जिसको कहते हैं मैन पावर ही नहीं है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ओनर्स हैं उनके भी मन में एक बात आई कि यदि हम किसी गांव के पास अपनी फैक्ट्री खोले होते तो आज हमारी स्थिति ना होती। तो यह एक बड़ा मुद्दा है कि जो SEZ जैसे जो कॉन्सेप्ट विदेशी कॉन्सेप्ट है उनको टुकड़ों में बांट करके उनको विखंडित करके उनको गांव तक ले जाने की आवश्यकता है छोटे छोटे रूपों में। जैसे आप स्वयं भी आप मोटरसाइकिल के प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ, मुझे मैंने टेल्को की फैक्ट्री जब यहाँ पे देवा रोड पे स्टेब्लिश हो रही थी तो मैं जानता हूँ क्योंकि 98.9 से मैं भी इस उत्तर लखनऊ में हूँ। आप ये देखिए टेल्को की एक फैक्ट्री के खुलने से देवा रोड पर कई छोटी फैक्ट्रियों की जैसे क्या कहते हैं कि छोटे छोटे बाग बन गए, कई छोटी छोटी फैक्ट्रियां वहां खुल गई। आज की डेट में टाइल्स बनाने से लेकर के और पाइप बनाने से लेकर के और सरिया बनाने और कील बनाने से लेकर के, क्यों? क्योंकि जब कोई एक बच्चा या कभी मान लीजिए डॉक्टर भरतराज सिंह जी अपने गांव में जाते होंगे या किसी गांव में भी जाते होंगे
तो दूसरे बच्चों के मन में या बुजुर्गों के मन में ख्याल आता है कि हमारे बच्चे या युवा सोचते हैं कि मैं भी, काश मैं डॉक्टर भरतराज सिंह जी की तरह से हो जाऊं। ये सपना देखा देखी होता है। इसको जो है मनोविज्ञान में साहचर्य धर्म कहते हैं, नकल मैं इसको नकल नहीं कहता हूँ, इसको मैं साहचर्य धर्म कहता हूँ, व्यक्तित्व साहचर्य इसको कहते हैं, कि आप किसी पर्सनालिटी से प्रेरित हो। तो ये स्थिति आनी चाहिए। और मैं आपकी आपकी विचार जितनी देर से मैं सुन रहा हूँ मुझे अच्छा लगा। और ऐसा मैं सोचता हूँ कि हम सब मिल करके काम करें आगे भविष्य में तो और अच्छा होगा। धन्यवाद। रोशन भाई ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है और ये संयोग है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। और इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि अदन गोंडवी ने बहुत पहले भारतीय परिवेश में और सरकारी फाइलों में जो गांव के बारे में लिखा है उसको लेकर के अपनी बात कही थी कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा और किताबी है क्योंकि जुम्मन की टूटी रकाबी है। तो ये इसको लेकर के उन्होंने सरकारी पूरा तंत्र जो है, जो सोचने का जो उनका ढंग है, जिस तरह से बड़े बड़े आंकड़ों के आधार पर बात की जाती, निश्चित रूप से नवाचार को उससे नुकसान हुआ है और जो नवाचारी प्रयास है वो भी बहुत दिक्कत में आते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बड़ा प्रयास किया था कि बहुत सारे नवाचारी जो प्रयास है उनको एकजुट किया जाए। बहुत सारे देश के अलग अलग हिस्सों में वो काम भी हुआ, एक बड़े परिवर्तन की तरफ लोग बढ़े। अब इसमें जरूरत यह है कि हम उनको लगातार, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स बन गए हैं, बहुत सारे ऐसे अटल इनोवेशन मिशन के तहत बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बने हैं, लेकिन उनमें जो हम नवाचार को बढ़ाना चाहते हैं डॉक्टर भरतराज, वो कैसे बढ़ेगा और उनको और बढ़ने के लिए जो सहारा चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, जो पग पग पर उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, हाथ पकड़ करके उनको आगे लेके जाना है, वो कैसे और उसका विचार का जो विस्फोट करना है वो कैसे डॉक्टर भरतराज? योगी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके विचार गांव को और शहर को जोड़ने का और ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए प्रयासरत है। और वो ऐसे युवा और जो पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो गांव को अभी तक देखिए पलायन अभी भी चल रहा है गांव का शहर की तरफ। उस कारण को हमेशा हम इसलिए याद करते हैं कि हमारे बापूजी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमें अगर देश का विकास होना तो गांव का विकास प्राथमिक है, चाहे छोटे उद्योग हो चाहे जैसे भी हो। जब वो प्रभावी रूप से वो संपन्न होंगे और खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल अपने आप होगा। आज हम केवल रोजी रोटी के लिए भाग रहे हैं, हम खुशहाली के लिए नहीं भाग रहे। खुशहाल तब होता है देश जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करके, कोई चीजें करके और दूसरे देश से आगे बढ़ते, अपने देश को संपन्न करते हुए दूसरे देश से आगे बढ़ते। तो ये आवश्यकता इस समय है कि हमें देहात में, बड़ी अच्छी बात अभी लगी क्या रोशन प्रेम योगी जी की, कि कुछ लोग जो इस तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, हम तो सभी वरिष्ठ को नमन करते हैं, उनको उनके जो भी अनुभव रहा है, अगर वो अपने देहात में जाएं और अपनी कठिनाई को थोड़ा सा मनन कर लें और वहां सहयोग कर लें, कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ा फाइनेंशियल सहयोग करना, उनका आना जाना ही लग जाएगा, तो लोग उससे ज्यादा प्रेरित होंगे। हमने अपने गांव में देखा विज्ञान की कॉलेज जो इंटर तक नहीं था, गांव नहीं, हम तहसील में नहीं, मुझे जौनपुर जाकर भी पढ़ना पड़ा हाई स्कूल के बाहर, नेशनल इंटर कॉलेज। मैं अपने गांव में एक विद्यालय इंटर कॉलेज का खुला और वहां पर जाकर के मैंने विज्ञान प्रयोगशाला को पूरे तौर से ओन किया। जो भी पैसा इसमें लगेगा आप बिल्डिंग बनाइए, लेकिन प्रयोगशाला का सारा खर्च मेरा रहेगा। जो बच्चे उसमें से मेधावी निकलेंगे हर साल मैं उसमें उनको प्राइस अवार्ड दूंगा, प्रथम जो आएंगे फर्स्ट क्लास बेसिक क्राइटेरिया, और उसमें से फर्स्ट क्लास में भी जो प्रथम रहेंगे उनको। एक बच्चों में कंपटीशन की भावना आ जाएगी, बच्चों में जो मेधावी हैं वो उनको देख करके दूसरे बच्चे भी उसमें उत्साहित हैं।
अगर उन पोटेंशियल को हमने उपयोग में ला लिया, जैसा अभी वर्तमान सरकार ने चल रही कि हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर एक हमें अपना उद्योग लगाना है, डिस्ट्रिक्ट से चल करके गांव तक, वो गांव नहीं बल्कि तहसील पर आया, तहसील से गांव में हो, ये मेरा है सपना। और इस सपने में मैं वरिष्ठ लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी है, उनका उपयोग चाहता हूँ। अब रह गई कि ये कैसे हमारा देश या हमारे ये नवाचारी ये विकास की कड़ी में कैसे जुड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका केवल प्रयोग यही है शिक्षण संस्थाओं को हम अपने ढंग से, अभी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बात यह आई कि हमारा जो इस समय शिक्षा की नीति बनी है वो प्रायोगिक बनी है। आज भी हमें प्रथम वर्ष की जो पुस्तक मिली थी उसकी शक्ल मुझे लगती है कि उसमें ई से ईख बना हुआ था, कहीं पर आम बना हुआ था, कहीं अनार बना हुआ था। अभी भी लगता है कि इस पेज पर यह था, इस पेज पर यह, क्यों नहीं बोलता, क्योंकि ये प्रयोगात्मक ढंग से बातें होती हैं, उसको दिखाया जाता है, उसमें बच्चे का माइंड घूमता है इसमें क्या चीज है। ये कोरिकुलम को पूरा करने के लिए कोर्स को तैयार करता है और नंबर गेम में आता है, 90% भी परसेंट बन जाता है, लेकिन उसकी उपयोगिता कहाँ है। हमारे इस जहां पर मैं बैठा हूँ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस, जहां पर महानिदेशक आते ही मैंने पहला कहा कि अगर हमें किसी को हमारा अपना एक बेंचमार्क होगा, हम आईआईटी को बेंचमार्क नहीं मानते, हमारा अपना स्वतः एक बेंचमार्क, हमने यहाँ पर सीवी रमन सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, सीवी रमन पहले वैज्ञानिक है और उसके बाद तो जो भी हुए हैं विदेश में जाकर के उनको नोबेल प्राइज मिली, लेकिन पहले वैज्ञानिक है जो भारतीय होकर के भारतीय रहने पर उनको विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला। क्या ऐसे नहीं है कि हम यहाँ पर इतने निपुण या कर्मठ या ज्ञान युक्त कि वो उनको नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता, कोई इतने दिन से 35 बात क्यों नहीं मिला, ये बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह। इससे लगता है कि हम कहीं न कहीं चाहे जिस लेवल पर पहुंच जाए, हमारी सोच भारतीयता की सोच जो है वो कहीं न कहीं हटकर के है, हमें केवल अपने हम कैसे पद पर ज्यादा बढ़ जाए, हमें धन का कैसे मिल जाए, हमें कैसे पहचान हमारी हो जाए, इस पर लगे नहीं देश। डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण बात तो है, लेकिन एक और अनुभव में आता है बहुत से ऐसे नवाचारी प्रयास करने वालों की एक शिकायत रहती है कि वो प्रयास जो करते हैं उसमें उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता, उनके प्रोफेसर से, उनके विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में उनको वातावरण नहीं मिलता, उनको उस तरह जो प्रायोगिक वो सपोर्ट भी नहीं मिलता, तो जो उत्साह है वो दुनिया के साथ घटता चला जाता है। और कुछ मिलता है कि सरकारी नीतियों का उनको सपोर्ट कम मिल पाता है, या वहां पर थोड़ा फेवरिज्म भी देखने को मिलता है, जैसा दुनिया के दूसरे देशों में प्रतिभा को सम्मान मिलता है या उसको स्थान दिया जाता है, हमारे यहाँ थोड़ा फेवरिज्म की वजह से ऐसे विद्यार्थी कई बार वो उनका मनोबल टूटता है। उन सबको बढ़ाने के लिए किस तरह के एक सामूहिक प्रयास हो सकते हैं, एक समन्वित प्रयास हो सकते हैं, जिससे कि हम वाकई मुझे लगता है कि जब प्रणब मुखर्जी जी 2017 तो जो लखनऊ में आए थे तो उस समय तकरीबन पूरे उत्तर प्रदेश में जो साइंस काउंसिल है उसने 2000 से ज्यादा इनोवेटर्स निकाले थे और उनकी एक पूरी प्रदर्शनी जिसमें आपका भी प्रोटोटाइप था, और उसमें इतनी बड़ी तादाद में देखकर अचंभा हुआ कि इतने बड़े इनोवेटर्स छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे इलाकों से, गांवों से, और उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है विज्ञान का, लेकिन उन्होंने नवाचार किया है, देश की बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया है, भले ही हम उनको अहमियत कम देते हुए उसको जुगाड़ शब्द का नाम दे देते हों, लेकिन एक्चुअली वो इनोवेशन है, वो नवाचार है। जी तो मैं इसी कड़ी को थोड़ा सा आगे मैं इसी पे जोड़ना चाह रहा था, राधेश्याम जी ने मुझे रिमाइंड करा दिया कि ट्रैक पर जल्दी से आइए समय की सीमा को देखते हुए। देखिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की पहली कंडीशन थी, शर्त ये थी कि हम किसी प्रदेश में अगर हमें इनवाइट किया जाए पहले ये शर्त हमारी पूरा करें कि हमारे नवाचारी चाहे और देहात से लेकर के शहर के जो भी हों
उनका एक एग्जीबिशन लगे और मैं देखूं क्या आपके प्रदेश में हो रहा है, मुझे आकलन करना जी। कहीं से भूला भटका लोगों ने मुझे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पकड़ लिया, क्योंकि सीवी रमन सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन मैंने 11 में खोला था जी जी। और प्रदेश नहीं, देश नहीं, विश्व स्तर पर उसका नाम 2 ही साल में आ गया। तो मेरा ये मानना था कि उन्होंने हमें पकड़ा और उस पर फिर हमने भी सबको जोड़ने की कोशिश किया और बल्कि लीड किया उनके साथ जुड़ करके, और बड़ा भारी अभी फोटो में पीछे कहीं है या बाहर है, इसमें इसमें तो रामनाथ कोविंद जी पीछे तो ये देखिए जो हम कर रहे हैं, जो हमारे विचार में, वही चीज उनके सोच में थी। कितने बड़े प्रकांड विद्वान थे वो, तो कोई विज्ञान नहीं थे, लेकिन उनकी विद्वता जो थी कहीं ना कहीं देहात को जोड़ने के जो प्रतिभा है उसको बढ़ाने की, वो देहात की प्रतिभा तभी बढ़ेगी जब वहां के लोगों का पलायन रुकेगा, लोगों के रोजगार और ये चीजें उसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही बढ़ाने की कोशिश की जाए। 100% नहीं रुक सकता। मेरा कहना है कि हर 10-20-25 आदमी अगर हर मिनट में देहात से शहर की तरफ भाग रहा है, आज की कंडीशन ही है, उसको रोजी रोटी लगता है कि एक परिवार पालना, 10 लोगों को पालना, तो इसमें से 2 जो उसके लिए सक्षम है कुछ भी करें, देहात में लेबर का काम करेंगे तो मिलेगा नहीं, बाहर जाएंगे मिल जाएंगे, तो उधर भागता क्यों, वो अपने पेट के लिए भाग रहा, उसमें गुण है, उसमें क्षमता है, हमें इसको रोकने की जरूरत पहला जी। दूसरा एक शिक्षण पर प्रयास करना है, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल या कह लीजिए तहसील लेवल पर रिविजन साइंस के, नवाचार के सबके लगाने, कोई ये जरूरी नहीं कि विज्ञान का ही छात्र हो, किसी चीज का छात्र हो, अगर उसके पास विचार कोई ऐसी नई चीज आ रही है, उस प्रतिभा को निखारने की जरूरत है और उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने की जरूरत। मैंने भी अपने ऐसे विचार किए, छोटेपन में मैंने बहुत सी चीजें बनाई घर पर बिना किसी को बताए हुए, और साइंस जैसे साइंस टीचर ने देखा जूनियर हाई स्कूल में उसे पकड़ लिया कि भाई तू क्या कर रहा है, ये कहां से तुम्हें ज्ञान आ गया। मैंने कहा सर 3 साल लगे मुझे इसको सोचने और इसको रूप देने में, केवल मैं ज्ञान की परिभाषाओं को पढ़ता था, सिद्धांत को पढ़ता था, सिद्धांत को कन्वर्ट किया। तो ये प्रतिभा है बच्चों में, और देहातियों को अगर हम इस तरीके से सरकारी यहाँ पब्लिक स्कूल का नशा दिखा देंगे, इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, नहीं। आज अगर जापान चाइना अगर आगे बढ़े हैं तो उन्होंने अपनी भाषा पर को कहीं छोड़ करके दूसरे, हाँ वो ठीक है बाहर जा रहे हो कम्युनिकेटर है या खुद उतने तक पढ़ ले जाए, जिसमें उसको आसानी अपनी बातचीत को, जिसमें उसको आगे बढ़ने की क्षमता है उसको करना चाहिए। हमें उस बुक का भी उसमें भी प्रयास में हुआ और हमें नेशनल ट्रांसलेशन से आया हुआ है भारत सरकार के, तो उसमें कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग की बुक को हिंदी में उसका अपन। मेरा ये कहना है कि बच्चों को, देहात के बच्चों को करें, देखिए ये पलायन भी रुकेगा, विकास जो है वो इंटीग्रेटेड होगा, सब सब जगह बराबर होना चाहिए, यहाँ जैसी सुविधाएं, इसके लिए हमें उनको उनकी प्रतिभा उनको हमेशा प्रोत्साहित करना पड़ेगा ऐसे बच्चों को। साइंस फेयर 1963-65 में साइंस फेयर लगा था पूरे पूर्वी क्षेत्र का, सारे डिस्ट्रिक्ट थे सुल्तानपुर से लेकर के पूर्वी क्षेत्र सारा मिर्जापुर लेकर के सारी बलिया, और जिसमें मैं प्रथम अपने कभी समझता ही नहीं था, लेकिन लोगों ने जज किया, उसके मिनिस्टर आए, सारे लोगों ने वहां श्री राज्यपाल महोदय विश्वनाथ दास जी ने अवार्ड ले दिया, उन्होंने देखा कुछ चीज नहीं बना दिया वो नवाज, ये नहीं कि हमने देख देख कर जोड़ दिया। तो ये चीज बच्चों में प्रतिभा है वो हमेशा अन्यथा छोटा बच्चा रहेगा तो नई चीज को देखेगा तोड़ेगा उसको फेंकेगा टूट जाएगा उसके बाद वो जोड़ने की कोशिश करता, ये भी एक विज्ञान का प्रासंगिक
कोई चीज अगर छुपी हुई है दस उसको बोलते उसमें उसका ज्ञान जरूरत है भारत सरकार को प्रदेश सरकार को आगे बढ़कर तो भी इस पर लगे हुए हैं। मैं लगता है कि इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है और हम अगर हम कह रहे हैं कि हमें भारत को आगे बढ़ाना है और इसको हमें आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर में तभी होता है जब हम अपने को बिल्कुल संचित कर ले दूसरे को दूसरे हमारी रास्ता आज आज देखिए 16 तारीख बहुत इतिहास का बहुत बड़ा वो है जो हमारे कोरोना का दो दो हमारे उससे लग करके टीका लगा इसी देश में पूरे देश में एक साथ लग रहा है पूरे देश में इसका एक नेटवर्क देखने के लिए ये निश्चित रूप से वैज्ञानिक समुदाय के लिए और हम नवाचारी प्रयासों की दृष्टि से देखें तो ये निश्चित रूप से हमारी उपलब्धि है। तो ये सभी क्षेत्र में नवाचार हम तो कोई इंजीनियर है या साइंटिस्ट है इस तरह से हम बात करें ये तो सभी क्षेत्र की जरूरत है जी। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी देखे नहीं हम गेहूं खाते थे सड़ा हुआ गेहूं दूसरे देश का आता था उसको खाते थे उन्होंने जय किसान जय जवान हमें एक दिन त्याग करना है चाहे जो दिन चुन लो एक दिन व्रत रहना सारा भंडार बढ़ जाएगा हमारा और करके दिखाया ये सोच होनी चाहिए हमें। डॉक्टर यहाँ से एक प्रश्न उठता है जैसा कि आपने विमान शास्त्र का उद्धरण किया था कि हमारे यहाँ इतना व्यापक विज्ञान था जिसकी अभी भी प्रमाणिकता जो कि हमारे शास्त्रों में उद्धृत है उसके प्रमाण भी मिलते हैं लेकिन पूरी दुनिया के बीच में उसको स्थापित करने और हमें उस पर गर्व होना चाहिए वो नहीं हो पाता। जैसे हमारे वेदों में बहुत सारा ज्ञान है आयुर्वेद को इस कोरोना काल में ही स्वीकार किया गया लेकिन अभी भी सरकार के छोटे मोटे प्रयास भी नजर आए सरकार ने भी कोशिश की कि हम आयुर्वेद को और बढ़ावा दें लेकिन समाज में उसका विचार उतना बड़ा व्यापक फलक नहीं पा पाता। इसका कारण क्या है जबकि सबसे बड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आज कोविड के रेफरेंस में भी बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए आयुर्वेद रामबाण है। जो भी औषधियां हमें भोजन में हम लेते हैं उससे हमें बहुत लाभ प्राप्त होते हैं पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। यही वजह है कि इतना बड़ा आबादी वाला देश होने के बावजूद जो मृत्यु की दर दूसरे छोटे छोटे देशों की तुलना में भी कम रही और हमारा पूरा एक एक जीवन शैली ऐसी है और जो खामियां हैं उसका हमें नुकसान भी भुगता तो अब हम जो नवाचारी प्रयास उसमें होने चाहिए वो नहीं दिखते तो ये कैसे बढ़ाएं मतलब हम जो कहते हैं जो हमारे परंपरा में हमारा अनुभव है उसको हम अपने वर्तमान के विचार में कैसे डालें। देखिए मैं थोड़ा सा व्यापक रूप से इसका हम उदाहरण देना चाहेंगे जी। हम इंजीनियर बेसिकली साइंटिस्ट और इंजीनियर जी मेरी दृष्टि में हम तभी बन सकते हैं जब हम अपने पौराणिक ग्रंथों को पढ़ें जी। उसमें सफल हम अपने को तभी पा सकते हैं पढ़ें और उसमें चीजों को देखें कि हम दुनिया से हटकर क्या चीज किए थे जी। कोई उदाहरण है तो उसमें आप दुनिया से आगे बढ़ जाएंगे आप बता जी। आज हम अभी मैं मेरी एक योग की बुक भी अब प्रकाशित हो गई है योग दर्शन और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें आशीर्वाद मिला है और उसी के इंग्लिश वर्जन में हमारे श्री राज्यपाल महोदया का भी आशीर्वाद उसमें उसका इंग्लिश वर्जन की भी डिमांड हो गई मैंने मैं आपको दूंगा। मैंने ये देखा कि हम अगर कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो उसका कारण क्या है हमारा कंसंट्रेशन कैसे हो रहा जी। हम नियमित रूप से शुरू से प्रेयर करते रहे बचपन से और उच्चारण करते थे मंत्रों का ओम का मुझे लगा इससे मुझे मेरी कंसंट्रेशन बढ़ती। अब आप देखिए कि हमारे भारत ही ऐसा देश है जिसमें वादन और इन सब का संगीत तत्व तो बात किए वादन के इंस्ट्रूमेंट तमाम रहते थे लोग उस पर बैठ कर चैन से कोई गाना नो सुनते तो बड़ा रिलैक्स फील करते थे। पूरा वर्ल्ड जो है ये रिवॉल्व कर रहा है पूरे प्लेनेट घूम रहे हैं वो एनर्जी जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही वो हमारी भी बॉडी को कनेक्ट करती है। अपनी पृथ्वी पर अगर अपने को डिटैच नहीं मानते पृथ्वी 24 घंटे में 1680 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम चल रहे हैं घूम रहे हमें नहीं पता लगेगा क्यों पृथ्वी के साथ पानी के साथ बह रहे हैं तो आपको पता नहीं लगेगा और उसके विपरीत चलेंगे तो पता लगेगा।
1680 किलोमीटर प्रति घंटे निकाल लीजिए, पेरीमीटर निकाल लीजिए, 24 से डिवाइड कर लीजिए, 24 घंटे में एक बार जी। अगर ये कण छोटा सा कण आप फेंकते हैं, सिर पर ठोकर लगती है, फूट जाता है, आप ये किसी से इसे डिटैच हो जाए पता नहीं कितने वेग से कम होगा। उस वेग में दूसरे प्लेनेट की क्या इंपॉर्टेंस है, कितना आप पर प्रभाव डालता है, ये हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले जानते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन ये योग पद्धति से हमारे शरीर के वाइब्रेशन जो होते हैं, जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, रिलैक्स होता है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी हमें कॉस्मास से मिलती है, एनवायरमेंट से, पृथ्वी से मिलती है। पृथ्वी को क्यों हाथ लगा के वो वंदना करती, उससे डायरेक्ट एनर्जी ले लेते, ये हमने अनुभव किया। और मैं डेली आपको बताऊं कि जब से मैंने इसको विज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया 1995 से, जब से मैंने लक्ष्य बनाया कि मुझे इस देश ने पूरे विश्व के उसमें हमें ग्लोबल वार्मिंग पर कुछ समाज के लिए करना है, तब से मैं योग कर रहा हूं। और मुझे अनुभूति होती है कि आगे क्या होने वाला कल। अगर हम ये कहें कि वायरस जो निकला ये हमने किताब में लिखा, तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि किताब में लिखा हो, 2012-13 किताब में लिखा हो, यह हुआ सेकेंडरी डाटा आपने कहा। मेरा ये कहना ये हमारी भारत के जो हमारे ग्रंथ हैं इनको पढ़ने की जरूरत है। अगर ये संस्कृत में है इनका अनुवाद करने की जरूरत है। अनुवाद में वो ठीक नहीं है, जितने लोग संस्कृत के पठन पाठन को बढ़ावा देना चाहिए, न कि और चीजों को ज्यादा। वो व्यापार के लिए ठीक है, जितने लोग अपना उस टाइप के हैं उसमें जाए है वो उसको, लेकिन बच्चों में बेस पर हमें इस संस्कार को डालने की जरूरत है। अगर ये कर दे तो इतना परिवर्तन आएगा, मैं आपको बोला 25 साल बाद इस देश में कोई रोक नहीं सकता, अगर हम इसको आगे इस लक्ष्य को पूरा कर ले। सब लोग नवाचारी बनेंगे, सब लोग अपनी अपनी तरह से बात करेंगे। और समय सीमा को मैं देख रहा हूँ बार बार, मेरे पास 8 मिनट है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये कहा जाए कि आप भी वैज्ञानिक हो के आप कहाँ इधर उधर भटकते रहते, मैं भटक नहीं रहा हूँ, मुझे एक प्रेरणा मिलती है इस पर काम करो। रामायण पर अगर आपको उदाहरण, शायद आपको बताया भी रहा होगा, रामायण पढ़ा, एक हनुमान जी मेरे प्रेरक बने, ये है क्या ये हुए। दूसरा मुझे हमेशा लगता था पाताल लोक क्या, जब हमने पुराण को पढ़ा, पुराण में आया अतल विकल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 8 तल है, 8 खंडों में पूरे विश्व को बांटा गया, जहां पर जीव रहते। अब हनुमान जी का रामायण में है कि वो रावण ले गए, रामचंद्र जी को उठा ले गया उनकी काली जी के सामने उसको बध करने के लिए उनको, भाई ठीक है लिखा है ये तो, इतना तो हम मानेंगे लिखा है हम बहुत सी चीजें, लेकिन मुझे एज ए वैज्ञानिक मुझे सोच आती है कि वो कह रहे हैं कि उससे चला गया क्या, उन्होंने एक सुरंग खोद दी, हनुमान जी सुरंग के थ्रू पाताल लोक पहुंच गए। कभी ये क्वेश्चन हुआ ना एक वैज्ञानिक के सामने ये बात आ रहा है तो उसको चिंतन होगी, ये क्या बात कर लेते हैं, तो टोटली गलत है, पृथ्वी कैसे सुरंग खोदी जाए। फिर लौट के आए, वही योग वही पद्धति वही चीज हमारे क्या, अरे कहां भटक रहे हो तुम, पृथ्वी की मोटाई तो व्यास होता है ना, तो सुरंग कहीं व्यास तो नहीं है। जब मैंने उसको 1000 जोजन देखा, 1 जोजन 8 माइल, 1 माइल 1.6 किलोमीटर, 12.8, 1000 12 8 से वो तो व्यास आ गए, 12008 से की जगह 12754 है। ये देखिए ये लेखक को नहीं कह सकते कि वो गलत है, ये ज्ञान है लेखक के पास उस समय समाज में सामाजिक ज्ञान था, और जब हमने उसको कनेक्ट किया तो सीधे में पाता लो अतल वितल सनातन सुतल 70,000 रोजन मैंने सातों में बांट दिया, 1000 उनको चलना था, 1000 हमने निकाल लिया।
कि भाई ऐसे बाकी घूमे घामे होंगे। तो जब निकाला तो पता लगा कि अगर हम सुरंग कहते हैं जो इसके 180 दूसरा निकाला, 180 अगर यहाँ पिन कर दे तो दूसरी तरफ क्या निकलता है, निकला होंडुरास मस्किटिया। अमेरिकन उसको मैंने डिटेल पढ़ा 1935 में किसी प्रोजेक्ट में देखा कि वहां कुछ लोग जंगलों के हैं, जंगली जिसे आदिवासी कहते हैं वहां के सेंट्रल अमेरिका, उन्होंने वो एक हाथ में लिए कुछ लेके चल रहे हैं और सब समूह में जा रहे हैं आगे पीछे चल। उसमें निकला कि वो जो समूह चल रहा है उसमें छोटी मूर्ति टाइप बंदर की मूर्ति है, मंकी डॉग, मंकी गार्ड को लेके जा रहा है। इंडिया में तो कहा जाए हनुमान जी की मूर्ति है, ओबामा तो एक मूर्ति लेके यहाँ आए जब अपना लाके, मैंने सब कनेक्ट किया, पता लगा सर वहां पर बड़ी भारी विशाल पैर 3D से निकली। ये है आपका नवाचार, पुराने चीज को देखकर नए की तरफ बढ़िए। मैंने प्रूव कर दिया वर्ल्ड में कि ये रामायण बिल्कुल सही है। मस्किटिया जो होंडुरास कहा जाए हिंदू राष्ट्र अपभ्रंश है होंडुरास, वो कोई ईसवी के पहले कोई गया होगा वहां पर, जैसे जाते जा करके कुछ वहां स्थापित किया, उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करके आए होंगे बेचारे, तब से चले आ रहे, ओबामा भी उन्हीं के कहीं से निकले होंगे। ये देखिए आपके ग्रंथ में जो लिखा हुआ उस प्रमाण के साथ मैं बात करता हूँ और उसको अपनाने का, और उस जो जो भी लिखा हुआ है उसकी एक विचार करना और तथ्यों का परीक्षण करना वो बेहद जरूरी होगा, प्रयोग करना होगा, उस प्रयोग को प्रूव करना होगा। प्रयोग प्रूव करने के बाद आपको आप कोई भी देश आपको रोक नहीं सकता है आत्मनिर्भर होने से। केवल यह है हमारे पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, लोगों में संसाधन जुटाएं, लोगों में प्रेरणा दें ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं बच्चे, और जगह जगह पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए सर्टिफिकेट ही बांटे, पैसे दें, उनको लैब बढ़ाएं, कुछ न कुछ उनके अगर कर देंगे तो ये देश को कोई रोक नहीं सकता। उनको पुरानी परंपराओं, पुराने जितने हमारे धरोहर रही हैं उनके बारे में जो दादा दादी से चली आ रही है उस कहानियों के बारे में जरूर उसको बताएं। उसको जो लोग हमारे वरिष्ठ जन हैं जितना उन्होंने सुना है उसको पढ़ करके रिवाइव करके फिर से बताएं जी। विश्व का भगवत गीता जो है मैनेजमेंट का प्रथम प्रथम पुस्तक है मैनेजमेंट की जी। जितना उसमें आदर सहित सारी चीजें कही गई वो आज मैनेजमेंट के पाठ में पढ़ा जाए। डॉक्टर साहब आपको विदा करूं उससे पहले एक सवाल और, अभी तक आपने चूंकि सरकार में काम करते हुए भी देखा है, आपने महाविद्यालय का आप हिस्सा हैं, आप उसमें भी काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के आप चेयरमैन रहे, तो आपने अभी तक जो भी सरकार के या गैर सरकारी जो प्रयास हैं इस दिशा में उससे आप कितने संतुष्ट हैं और उसमें आप उससे कितनी ऊर्जा मिल रही है विद्यार्थियों को और उसमें क्या बदलाव की आवश्यकता है? देखिए मैंने जब तक जहां भी रहा मैंने कोशिश की कि सरकार का जो भी नुमाइंदा चाहे चीफ मिनिस्टर रहा हो चाहे मिनिस्टर रहा हो उसको मोल्ड करके दिशा में लाना जी। हमें लगता है कि ऐसे लोगों की जरूरत है, सरकार कोई अपनी कोई गतिशील इस तरीके से नहीं है कि आपको रोकने के लिए तैयार हो। हमारे में कमी है जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है सो कॉल्ड अर्बन बेस्ड, जिसे हम तो अर्बन बेस्ड नहीं कह सकते, हम तो अपने को रिफ्यूजी मानते हैं क्योंकि हम बिहार से यहाँ आके रिफ्यूजी के जरिए चल रहे हैं, पक्का मकान है ठीक है, हमारा तो बेस हुआ है, हमारे माता पिता तो बस वहां गए हैं ना, हम तो यहाँ काम धन अर्जित करने के लिए आए तो रिफ्यूजी हम। जब तक ये भावना नहीं भरेंगे तुम्हारा वो जगह है और वही सक्षम है, उसी पर काम करो, ये प्लान रुकने वाला नहीं है। सरकार को उस पर गति देनी पड़ेगी, सरकार को उसको सोचना पड़ेगा
और पूर्ण क्षमता यहाँ भरपूर चीजें नवाचार की पड़ी हुई हैं। केवल हमें ग्रंथों को केवल उकेरने की जरूरत है, केवल उसको बहुत ज्यादा गहरे में उकेरने की जरूरत है। आपके पास विमान का जब हम पढ़ते हैं, हमारी पुस्तक पीछे रखी हुई है, मैंने उसी का कॉपी करा लिया जी, इस वर्जन जब पढ़ता हूं तो उसमें सारी चीज, मैग्नेट भी मिलता है, बिजली भी मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है। भाई कहां से भरद्वाज मुनि को सब पता था, और आज यहाँ कितने विश्व में नोबेल प्राइज दे रहे हैं कि ये कहीं कहीं डिटैचमेंट हो गया हमारे पढ़ने का, हमारे संस्कार को कहीं ना कहीं दिक्कत। मैकाले ने जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया है, वो ही एक सबसे बड़ा घातक हमारे लिए रहा। हम ये नहीं कहते हैं गुरुकुल में सब पढ़ाएंगे, गुरुकुल ये था कि सामाजिक कर्म जो विकृतियां थी उसे दूर हटकर इस शिक्षा को रखा गया। सामाजिक विकृतियां सभी उसमें होंगी, जब कोई चीज बढ़ता है तो उसमें सामाजिक विकृतियां आएंगी। बच्चों को नवयुग को जो बना रहे हैं उनमें तो क्षमता बढ़ने के लिए उनको उसे डिटेच रखना पड़ेगा। ये हमारा आदमी गुरुकुल था। आज हम तरह तरह का नहीं, मोबाइल ले लो बच्चा बहुत अच्छा काम करे, उसको जानकारी हो जाए, मोबाइल की जरूरत है उसको पहली चीज क्यों? मोबाइल तो सब चीजों के लिए फ्री है। अगर मोबाइल केवल शिक्षा के लिए इसमें होता जी, तो मान लो घर में बैठे हुए टीवी दिख रहा, पता नहीं क्या क्या चीज दिख रहा जी, हमें मना किया जाता। हम बचपन में थे, छोटे में थे, कि वहां जाकर के नौटंकी में न चले जाना देखने जी, चीजें बलगर। ये समाज था हमारा, ये संस्कार हमारा कहां गया? वो संस्कार हम पीछे नहीं है, ज्ञान में पीछे नहीं है, चिंतन में पीछे नहीं, सब चीजों में पीछे नहीं, तो फिर ये कहां से आ गया बीच? ये सोचने की जरूरत है। मैं पुनः सभी मनुष्यों से, विशेषकर जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मनीषी कर्मठ हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं, बहुत विद्वत हैं, और ऐसे लोगों को और बिल्कुल उससे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को और जोड़ने की जरूरत है। लोगों में जो क्षमता है, आप जैसे लोग हैं जो कि चिंतक हैं, जो समाज में चीजों को पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। हमें रोशन जी से मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है कि अब उस प्रेमी जी से के रिलेशन में है, जो इटावा में उनकी एक अकाल मृत्यु हुई थी, वो उससे जुड़े हुए हैं कि कहीं और है? मैं तो उस मीडिया कर्मी का बहुत ही हमेशा वो करता हूँ कि देखिए अपनी क्षमता किस तरीके से उन्होंने प्रयत्न किया सब चीजों दिखाने के लिए, हालांकि उनकी अकाल मृत्यु हुई। तो ये 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 जो अपना धर्म निभाना है, जो जहां है, अगर अपने कर्म और धर्म के साथ आगे बढ़ेगा कोई नहीं रोक सकता। हम आत्मनिर्भर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनेंगे, और आत्मनिर्भर बन करके पूरे विश्व को पटल पर हम सात लोगों को देंगे। ये हमारी पूर्ण रूप से यही हमारा सोच है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें सब आगे बढ़ रहे हैं। बाकी विषय अलग विषय है, उस पर बाद में बात की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बोत्रा, क्योंकि आपको एक और आयोजन का हिस्सा बनना है। आपने 5 बजे तक अपना समय दिया, आपको साधुवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें अपने अनुभव के साथ जोड़ते हुए बताई हैं, ताकि नवाचारी प्रयासों को बहुत बोझिल न करते हुए हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवा साथियों को आसानी से समझ में आए, उनकी दृष्टि कैसे बढ़े, और उनका जो अध्ययन का दायरा है उसमें विचार को महत्व कैसे वो दें, उस पर चिंतन कैसे करें। जरूर कि एक और आयोजन में हम और विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आपसे सीधे उनसे रूबरू करें और उनके संवाद को हम आगे बढ़ाएं और इन नवाचारी प्रयासों को और विस्तार देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भरद्वाज, नमस्कार। बहुत बहुत रोशन जी, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से, और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। और थोड़ी सी इस बात पर अगर वो थोड़े प्रयास करें, चिंतन करें, हमारे पास सब लोग सहयोग के साथ जरूर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर भरद्वाज कह रहे थे, रोशन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस दिशा में निश्चित रूप से उन्होंने कुछ बातों को उल्लेख किया है जो बेहद महत्वपूर्ण है।
लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे विषय जिन पर अभी उतनी चर्चा गहरी नहीं हो सकी। हमारे देश में अवसर बहुत हैं, हमारे देश में समस्याएं, चुनौतियां, आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, और कहा भी गया है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी कि आविष्कार की संभावनाएं व्यापक हैं और उनको बढ़ाने के लिए हमें और भी प्रयास करने होंगे, और इस दिशा में सरकार के जितने भी प्रयास हैं उनको गति तब मिलती है जब समाज से उनकी आवश्यकता उनको पाने की कोशिश होती है, और उसके साथ में बेहद जरूरी है कि हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, उनके साथ संवाद स्थापित करें, और लगातार चाहे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, छोटे छोटे विद्यालयों में ऐसे प्रयोग करवाए जाएं जिससे कि बच्चों के अंदर ऐसा विचार पनपे, ऐसा अवधारणा विकसित हो और वो नवाचारी सोच उनके अंदर आए और वो छोटे छोटे जो इनोवेशन करते हैं या जो इनोवेशन किए गए हैं, जैसा कि रोशन जी कह रहे थे कि अगर हम साहचर्य में आते हैं, किसी को हम देखते हैं, जैसे एक आर्टिस्ट को किसी एक कैरिकेचर को फॉलो करने के लिए सिखाया जाता है, उसको नकल करता है, जैसे श्रुत लेख लिखा जाता है, सुन करके लिखता है या नकल लिखता है, तो उससे उसकी भाषा में परिष्कार होता है, कला में भी परिष्कार होता है। उसी तरह से नवाचारी प्रयासों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट दुकानों से न खरीदे जाएं, माता पिता मदद जरूर करें उस बच्चे को, लेकिन पूरा पूरा प्रोजेक्ट न बना दें, और साथ ही जो विद्यार्थी हैं उनको आपस में प्रतियोगिता का हिस्सा बनने दें, उनको अपने स्व विकास में सहभागी बने, उनकी हैंड होल्डिंग जरूर करें, लेकिन उनको उनके अंदर के विचार के बीज को जितना पोषित कर सकते हैं वो करें। भारत में नवाचार के असीमित संभावनाएं हैं, और मैं सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि पेटेंट से प्रोसेस से लेकर जो स्टार्टअप नीति है या इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इनको और गतिशील बनाएं। यहाँ पर स्वागत पटल को जोरा और खुलापन लाएं ताकि विद्यार्थी जो समझने आते हैं उनको मार्गदर्शन भी मिल सके, और जैसे कि बहुत सी योजनाओं में होता है कि कोई आवेदक आता है उसको बताया जाता है कि प्रोजेक्ट बनाकर लाए तब हम आपको काम करेंगे, उनको बहुत बारीक अगर मार्गदर्शन मिलता है तो निश्चित रूप से संभावनाएं बढ़ेंगी, प्रतिभा भी बढ़ेगी, और भारत जो 48वें पायदान पे वैश्विक नवाचार सूचकांक में है उसकी भी गति बढ़ेगी। नीति आयोग ने भारत का भी एक नवाचारी सूचकांक विकसित किया है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे अलग अलग प्रदेशों में इस पर ज्यादा काम होगा, और सरकारें भी इस दिशा में वोट बैंक से दो कदम आगे बढ़कर थोड़ा अपना फलक बड़ा करते हुए दूरगामी सोच लेकर आएंगी जिससे कि समाज में एक बड़े परिवर्तन होंगे और उसका श्रेय निश्चित रूप से उनको मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, रोशन जी भी हमारे साथ जुड़े, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, और भद्राज जी तो हमारे साथ जुड़े ही थे, वो भी अपने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा प्रकल्प बना रहे हैं जिसमें वैदिक नवाचार प्रयासों को समझने के लिए जो हमारे यहाँ इनोवेशन हुए हमारे ऋषि मुनियों ने किए उनको सिखाने समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी और सफलता मिले, ये प्रगति हो, और अनेकों विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भी ऐसे प्रकल्प बने, ऐसी पीठ बने, वहां पर बहुत काम हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।